दुर्ग के अनाज लाइन हटरी बाजार में अतिक्रमण कर अवैध दुकान निर्माण की शिकायत पर निगम से मिले नोटिस की अनदेखी किए जाने पर निगम ने जेसीबी लगवाकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत अनाज लाइन हटरी बाजार में अतिक्रमण कर अवैध दुकान निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत दुर्ग निगम को मिलने के बाद अतिक्रमणकर्ता मिंटू जैन को 24 घंटे के भीतर उक्त निर्माण को हटवाने के लिए निगम द्वारा नोटिस भी दिया गया, जिसके बाद भी नोटिस की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया गया, जिसके फलस्वरूप बुधवार को दुर्ग नगर निगम के तोड़ूदस्ता टीम ने निगम की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने भवन अधिकारी प्रकाश चंद थावनी एवं सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान के नेतृत्व में भवन निरीक्षक विनोद माझी, अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा, रामलाल भट्ट की मौजूदगी में जाँच के बाद कार्यवाही करते हुए निगम टीम ने अवैध दुकान निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस संबंध में अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मिनन मांझी के द्वारा बताया गया कि गांधी चौक मार्केट में चावल गली में किसी व्यक्ति के द्वारा रोड के ऊपर अनाधिकृत मकान या दुकान निर्माण किया गया था, उसको तोड़ने की कार्रवाई आज की गई है। उनका लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 10 फीट, मतलब 20x10 मतलब 300 स्क्वायर फीट में वो निर्माण हुआ था, पक्का निर्माण था, जिसको जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। जहां हमारे सहायक भवन अधिकारी दीवान जी, माझी जी और हमारे अतिक्रमण दस्ता की टीम सब वहां मौजूद थे। किस तरह की इनको पहले एक महीने पहले नोटिस भी दी गई थी, उसके पहले जाके काम इनको रुकवाया गया था, उसके बाद भी ये नोटिस की अवहेलना की है, तब जाके आप तोड़ने की कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।